वैसे देख रहे भी डेंगू करके हस्पतालों में बहुत वड्डी तादाद में मरीज जिहड़े ने भरे हुए हैं, डॉक्टर को इलाज करने वास्ते भी काफ़ी मुश्किल आ रही है। कि निजी हॉस्पिटल के मैं कोई रिश्तेदार भैन भरा से मैं पता लैन लिए गया, जब उस जगह से देखा तो मरीजों को लोग अपने घर तो फोल्डिंग बैडा से लिया के पा रहे हैं, कई पुंजे लम्बे पा के उन्होंने ग्लूकोज लगाए गए हैं। जिहड़ा एक हॉस्पिटल सरकारी बनाया गया जनता के पैसे नाल, उस हॉस्पिटल के इन्ने बुरे हालात ने कि उस हॉस्पिटल के डॉक्टर की जगह जेडे कुत्ते डंगर जेडे आवारा उस जगह पर जेडे लोगों वेख रहे हैं, लोग जा रहे हैं पर उत्थे उन्हां नूं कोई हल नहीं मिल रहा। सरकार तो कह रही है असी जिहड़ा वा गली महल्ले पिंड पिंड जिहड़ा वा जी छिड़काव किया जा रहा दवाइया का, जिहड़ा भी मच्छर ना आए लोगों जागरूक किया जा रहा वा, तुसीं इहदे बारे तुहाडा कहना? जिहड़ी जागरूक करन दी गल है जी, जागरूक करन दे नां दे उत्ते तां सिर्फ ड्रामेबाजी है। जिहड़े MLA ने डॉक्टर बेरका जी उन्होंने नाम के नाल डॉक्टर शब्द लगता है, तो हालांकि वह असली दे डॉक्टर नहीं आ। जिहड़े डॉक्टरां दे कोल जिहड़े बैठ के मक्खियां मारदे सी अज उन्हां दे कोल भी समा नहीं, इन्ने इन्ने मरीज ने वो पुंजे पा पा के ड्रिपां ला रहे ने। जे पंजाब सरकार चाहे तो गलियां महल्लियां वार्डां दे विच कैंप ला के लोगों के मुफ्त जिहड़े आ उन्हां दे टेस्ट किए जा सकते हैं, मुफ्त दे विच उन्हां दा इलाज किया जा सकता है, पर यह जिहड़ी सरकार है इहदी नीत माड़ी है कि पंजाब की सरकार चन्नी की सरकार जिहड़ी पूरी तरह निकम्मी सरकार। पिलो चलन देख रहे सारे दर्शकों का जी, मैं एक बार फिर तो हरजीत गरेवाल स्वागत करता हाँ। डेंगू का कहर दिन दिन वध रहा वा, तुसीं देखिया पंजाब में डेंगू के मरीज किस तरह जिहड़े तादाद में वध रहे हैं, हस्पताल जिहड़े ने सारे जिहड़े ज्यादातर बैड ने वड्डी तादाद में जिहड़े डेंगू के मरीज करके भरे हुए हैं। उस तों लैके अज छियाटा बाजार में जिहड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है श्रोमणी अकाली दल वल्लों, जिहड़े कि हल्का पछमी के नौजवान आगू ने सुरिंदर सोता जी, गलबात करांगे उन नाल। सोता साहब की कहना चाहोगे तुसीं जिहड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हो अज डेंगू के लै, की कहना चाहोगे? सब तो पहला तो मैं पंजाबी लोग चैनल का और गरेवाल साहब तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करदा। और जिहड़ी करोना महामारी तो बाद सब तो वड्डा जिहड़ा इस वेले कहर वरपिया है वह जिहड़ा है वह डेंगू ते मलेरिए दा है। डेंगू मलेरिए नूं लैके असी जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल दे वल्लों पूरी जिहड़ी है साडी टीम है डॉक्टर दलबीर सिंह वेरका जी, असी मिल के ये पंजाब दे जिहड़ी गुंगी ते बहरी सरकार है उहदे खिलाफ़ जिहड़ा असी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि ना कि उन्हां दे कन्न खुल जाण, तो जिहड़े लोग मलेरिए दे नाल डेंगू दे नाल प्रभावित हो रहे हैं, आए दिन लोगों के जिहड़े सैल घट रहे हैं, मौतां हो रही ने, उन्हां दे वल थोड़ा जिहा ध्यान दे सकन। की कहना चाहोगे? असीं देख रहे हैं भी डेंगू करके हस्पतालों में बहुत वड्डी तादाद में मरीज जिहड़े ने भरे हुए हैं, डॉक्टरों को इलाज करने वास्ते भी काफ़ी मुश्किल आ रही है, क्योंकि जिहड़ा डेंगू ने इस तरह बहुत ज़्यादा फैल रहा वा, की कहना चाहोगे? देखो मैं इतने नाम नहीं लवांगा, एक निजी हॉस्पिटल की तुहानू गल दसदा कि निजी हॉस्पिटल के मैं कोई रिश्तेदार भैन भरा से मैं पता लैन लिए गया, जब उस जगह पर देखा तो मरीजों को लोग अपने घर तो फोल्डिंग बैडा से लिया के पा रहे हैं, कई पुंजे लम्बे पा के उन्होंने ग्लूकोज लगाए गए हैं। सरकारी अस्पताल की गल करां तो साढ़े जिहड़ा हल्का पछमी के नैनगढ़ के जिहड़ा एक हॉस्पिटल सरकारी बनाया गया जनता के पैसे नाल, उस हॉस्पिटल के इन्ने बुरे हालात ने कि उस हॉस्पिटल के डॉक्टर की जगह जेडे कुत्ते डंगर जेडे आवारा उस जगह पर जेडे लोगों वेख रहे हैं, लोग जा रहे हैं पर उत्थे उन्हां नूं कोई हल नहीं मिल रहा। और प्राइवेट हस्पतालों की गल करिए लोगों की लुट हो रही है, लोगों का बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, तो जिहड़ी पंजाब की सरकार है जां सदा हैल्थ डिपार्टमेंट है वह कोकियां गल्लां करन तों जां जुमलेबाजी करन तों बिना होर कुछ भी नहीं कर रही। और की कहना चाहोगे? सरकार तो कह रही है कि असी जिहड़ा वा डेंगू का जिहड़ा इलाज आ टैस्ट फ्री किया जा रहा वा, सरकार जिहड़ी आ बहुत सहूलतां दे रही है सरकारी हस्पताल विच, लोग जिहड़े ने ठीक होकर घर जा रहे हैं, तुहाडा कहना वा? देखो जिहड़ी कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार, क्योंकि हुण उह चन्नी की सरकार बन चुकी है, पर इक सिक्के दे दो पहलू ने, ये पहला भी ये झूठियां की सरकार है। पहला इन्होंने क्योंकि कैबिनेट जो चन्नी साहब कैबिनेट उस दे विच मंत्री सन हुण मुख्यमंत्री ने, तो इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब जी की गुटका साहब जी की सहुं खाधी सी, तो मैं इत्थे गल कहनी चाहुंदा झूठियां की सरकार है, इस झूठ बोलना जानती है। जमीनी पद्धर से गरेवाल साहब मैनू इस गल का पता लगा सी कि आप जी ने भी जिहड़ा डेंगू ने प्रभावित किया, मैनू तुसी दसो
कि तुसी सरकारी हॉस्पिटल गए सी के प्राइवेट हॉस्पिटल गए सी, क्योंकि एहो जे हालात ने सरकारी अस्पतालों के कि लोग त्राही माम कर रहे हैं और सेहत सहूलतों के नाँ के उत्ते सरकार सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। जुमलेबाजी तो बिना इस सरकार दे कोल कुछ भी नहीं आ। जे मैं तुहाडी गल करां तां तुसी एक लोगों के सेवादार हो, एज ए पत्रकार तुसी लोगों की सेवा करते हो, नुमाइंदे हो लोगों के तुसी भी, लेकिन जे तुहाडा ही कोई सरकार दा तुहाडे वाल ही कोई ध्यान नहीं आ ते आम लोग आम पब्लिक कित्थे जाएगी। सो इस करके मैं बार बार ये बेनती कर रहा हाँ कि पंजाब की सरकार चन्नी की सरकार जी पूरी तरह निकम्मी सरकार है और ये इस वेले जुमलेबाजी कर रही है। जुमलेबाजी करने की बजाय जोड़ा इन्होंने लोगों की सेहत वाल ध्यान देना चाहिए है। की कहना चाहोगे? सरकार तो कह रही है असी जोड़ा वा गली महल पिंड पिंड जोड़ा वा जी छिड़काव किया जा रहा दवाइया का, जोड़ा भी मच्छर ना आए लोगों को जागरूक किया जा रहा वा, तुम इस बारे थोड़ा कहना। जी जागरूक करने की गल है जी, जागरूक करने के नाँ के उत्ते सिर्फ ड्रामेबाजी है। इस वेले सब तो व्डा जोड़ा प्लेटफॉर्म है वह सोशल मीडिया है, तो कोई भी एक मैसेज मैं सोशल मीडिया से जोड़ा वो लोगों जागरूक कर दिखा दौ, कुछ भी नहीं है। और रही गल जी दवाई के छिड़का दी है, तो सिर्फ डीजल मिला के जोड़ा धूं छड़ के लोगों की अखों में धूं पाया जा रहा है, जिता एक पंजाबी कहें अखा च घट्टा पाने वाली गल। हुण इस वेले सरकार लोगों की अखा च धूं पा के ये साबित करना चाहती है कि असी गरीबों की सरकार हाँ, असी तुहाडे नाल हां, असी तुहाडी साल लै रहे हैं, बल्कि इसके उल्ट जिहड़ा है दवाई का ज जिहड़ियां पानी के विच पाउण वालियां गोलियां हुंदियां सन, किसी भी तरह का कोई भी इंतजाम हैल्थ डिपार्टमेंट वालों पंजाब सरकार वालों नहीं किया जा रहा। तो मैं हल्का पछमी की जो गल करिए, हल्का पछमी के जिमें हस्पताल की तुहानू गल दसी है, तो मानयोग इतने जिहड़े एम एल ए ने डॉक्टर वेरका जी, उन्हां दे नाम दे नाल डॉक्टर शब्द लगता है, तो हालांकि वह असली दे डॉक्टर नहीं आ, पर फिर भी धक्के दे नाल डॉक्टर शब्द ला रहे हैं। तो मेरी उन्होंने भी बेनती है कि डॉक्टर साहब तुसी कैबिनेट दे विच मिनिस्टर भी हो, पंजाब दे लोकां दा पर अपने हलका दे लोकां दा ध्यान करो, तो उन्होंने वाल थोड़ा जहा अपनी जी मेहरबानी करो, तो लोगों सेहत सहूलत प्रदान करो, तो जो लोग ये मनना शुरू कर देन कि हाँ जी तुम सची मुची के डॉक्टर हो। पर कहना चाहोगे सहूलत साहब? अभी देख रहे भी ज्यादातर जो लोग ने जिन्होंने डेंगू होया हों वा लोग प्राइवेट अस्पताल जाके जो अपना इलाज करा रहे हैं, पर कितने ठगिया महसूस कर रहे हैं क्योंकि बहुत महंगे महंगे उन्होंने बिल बने ने, लोग करजाई हो गए, असं देखे लोगों को पैसे देने जोगे नहीं होंगे, क्योंकि क्या इंदा भी डेंगू का जो इलाज है बहुत महंगा वा, की कहना चाहोगे? तो देखो जी प्राइवेट अस्पतालों से जान की गल है, तो गरेवाल साहब एक एक पंजाबी की साड़ी एक उदाहरण है कि मरता की नहीं करता। हुण जो लोगों की जान तो बनी आ, सरकारी अस्पतालों के इलाज ही नहीं, सरकारी अस्पतालों के कोई टेस्ट करन दा कोई किसी भी तरह की कोई है ही नहीं आ, इन्हां दे कोल इंतजाम ही नहीं, तो तुसी मैनू दसो कि लोग मजबूरी दे विच प्राइवेट अस्पताल ही जाणगे? लोगों के कोल किसी तरह का कोई होर विकल्प ही नहीं आ, सरकारी अस्पतालों नू ते आप इलाज की लोड़ है। जे डेंगू मलेरिए की गल करिए, जिहड़े प्राइवेट हॉस्पिटल ने उन्हां नू तां मौजां लगियां ने, उन्हां दा दिवाली बंपर है ये जिहड़ा डेंगू मलेरिया, उन्होंने दिवाली बंपर बन के आया है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों ने वड्डे तौर पर लोगों की लुट कर रहे हैं, तो जिहड़ा प्रशासन है सरकार है वह सिर्फ जुमलेबाजियों तो ते फोकी नारेबाजी तो धूं जिहड़ा गलियां दे विच खलारन तो सिवा होर कुछ भी नहीं कर रही। पर की कहना चाहोगे सोता साहब? असीं देखिया भी पहलों लोगों के डरा मना में डर हुंदा सी करोना लैके भी करोना हो गया वा, पर हुण देखदे आ भी लोगों के मना भी करोना खत्म हो गया वा, तो डेंगू का मरीज जिहड़ा लोगों के मन भी डर हो गया वा, जेकर किसी परिवार को एक जने नूं डेंगू हुंदा वा बुखार हुंदा वा तो सारा टब्बर जिहड़ा वा अपने टेस्ट करवाउणा पैंदे, तो खास करके जिहड़े डाक्टर हुंदे ने इलाके दे गली महल्ले दे जेकर किसी सैल घट जाते हैं तो होर उन्होंने डराया जाता भी भाई तेरे सैल घट गए ने, जो तू दवाई खाधी जा तू ड्रिप ना लवाई जा तू इलाज ना कराया तो तेरी मौत हो सकती है, की कहना चाहोगे? देखो जी पहला करोना महामारी के कारण लोग बड़े परेशान हुए आर्थिक तौर पर मैंटली तौर पर शरीरक तौर पर, हुण जिहड़ा डेंगू ते मलेरिया ये भी इस तरीके नाल हमला कर रहा है, मैनू लगता है कि शायद करोना का ही दूजा रूप बन के डेंगू मलेरिया आया है। और जिहड़े डॉक्टरों की तुसी गल कर रहे हो, क्योंकि मैं पहला भी कहा कि यह डेंगू मलेरिया जिहड़ा है उन्हां लई दिवाली बंपर बन के आया है, मेरे हिसाब के नाल सवेरे सवेरे उठ के जिहड़े डॉक्टर, क्योंकि तुसी मैडिकल स्टोरां दे देख लो जिहड़े डॉक्टरां दे कोल जिहड़े बैठ के मक्खियां मारदे सी, अज उन्हां दे कोल भी समां नहीं, इन्ने इन्ने मरीज ने वो पुंजे पा पा के ड्रिपां ला रहे ने, इन्ना ज़्यादा बुरा हाल है। क्योंकि पंजाब दे विच जिहड़ा है, मैं खास करके एक गल बड़े दुख नाल ये गल कहांगा कि एक परिवार का मैंबर जिहड़ा उन्हां दा कमाउण वाला है, चाहे वह दिहाड़ीदार है, चाहे मजदूर है, चाहे वह रिक्शा चालक है,
जेकर वह बीमार होंदा है नाल उहदे दो परिवार के जी होर बीमार हो गए तो उन्होंने कोल तां कमाई का साधन ही कोई नहीं, कमाई का साधन भी जांदा रहा, उल्टा बीमारी के पैसे लग रहे हैं। तो डॉक्टर जिहड़े ने वह डरा धमका के लोगों की इन्नी कु ज़्यादा छिल ला रहे हैं कि लोगों के कोलों उधार चुक के कर्जा चुक के इलाज कराने की बजाय होर कोई विकल्प नहीं हैगा। की कहना चाहोगे सोता साहब, सरकार तो भी कह रही भी जो उन्होंने 5 लाख का जो बीमा जरा किया गया मेडिकल इलाज किया गया उससे भी जो सहूलत दी जा सकती है, लोग उससे भी इलाज करा सकते हैं, तो हमारे बारे की कहना। देखो गरेवाल साहब, इससे मैं थानू एक अपनी हड बीती दसदा कि तकरीबन मेरे परिवार के मेरे पिछले दिनों च दो जिया प्रॉब्लम हुई सी, तो कार्ड मैं थानू दस देव कि लड़ झगड़ के और धक्के दे नाल मैं कार्ड चलाया, उदा वो कार्ड नू कोई एक्सैप्ट ही नहीं करता। जिहड़ा देखो एक चीज़ हुंदी है, असी किसी नू दिता है कोई लैके गया, जो श्रोमणी अकाली दल की सरकार सी तां बादल साहब ने जिहड़ी स्कीम चलाई सी लोगों नू खजल खुआरी नहीं सी करनी पैंदी। आ सरकार ने 5 लाख का कार्ड जरूर दिता कि 5 लाख तक इलाज है, पर इलाज मिलेगा तां ही ना, लोग जाते ने और डॉक्टर जिहड़े बहाना ला देंदे ने, कोई कह देंदा है तुहाडी इंश्योरेंस दे विच तुहाडा नाम नहीं आ रहा, तुहाडा कार्ड नहीं चल रहा, इदा करके लोगों जोड़ा बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो जी डेंगू मलेरिया की इलाज की गल है, वह कहें साड़ी स्कीम के अंदर ही नहीं आता, लोग की करन, क्योंकि ये किया इन्होंने कि एक तरीके दे नाल दे दिता, जिदा आप कोई बच्चा मान लो कि कोई चीज़ की डिमांड करता है तो असी बच्चे कहने ठीक है बेटा आइसक्रीम तेन लै देंगे तो टंग असी खजूर से दें। कार्ड जोड़ा है इस तरीके है, कार्ड लोगों को दिता जरूर गया कि 5 लाख की सहूलत तुहानू दिती जाएगी, ये सेहत बीमा योजना जी तुहाडे लई किसी भी तरह का इलाज इत्थे फ्री होएगा, पर यह सिर्फ कहन दियां गल्लां ने, असल दे विच तुसी लोगों के कोल जाके वेखो लोगों की लुट हो रही है, लोगों का बुरा हाल है, और खास करके जिहड़े मानयोग साडे चन्नी साहब ने अपने आप नूं वो मैं कहना चाहांगा तुहाडे माध्यम नाल चन्नी साहब, तुसीं अपने आप नूं गरीबां दा मुख्यमंत्री कहिंदे हो, तुसीं अपने आप नूं आम आदमी दा मुख्यमंत्री कहिंदे हो, ते अज आम आदमी जदों इन्ने दिनां तों डेंगू मलेरिया नाल मर रिहा है ते तुसीं किहड़ी नींद दे विच सुत्ते पए हो, तुसीं किहड़े आम आदमी दे मुख्यमंत्री हो, तुसीं लोकां दा हाल वेखो। मैं ये सरकार की एक शर्मनाक गल कहांगा गरेवाल साहब, एक भी बयान मुख्यमंत्री साहब का किसी भी कैबिनेट मंत्री का किसी भी हेल्थ मिनिस्टर का इस दे उत्ते नहीं आया कि डेंगू मलेरिया नू लैके असी लोगों नू की सहूलत दे रहे हैं। की कहना चाहोगे असी देश के पिछली दिन जो डेंगू मलेरिया कोई नवा नहीं आ रहा, हर साल आता वा, जिमें हर साल टाइफाइड लोगों को हो जाता वा डेंगू मलेरिया बंदा, कि लगता नहीं सरकार को या हेल्थ डिपार्टमेंट को ये पुख्ता इंतजाम करना चाहिए आ ये वास्ते, खास करके जो असं देख रहे हैं पिंडां कस्बों शहरों में वक्त वक्त तरह लोगों को जागरूक करना चाहिए वा, जिम्मे तुम दसिया भी गोलियां जी हो पानी जी पानी चाहिए, लोगों को दसना चाहिए वा भी जोड़ा वा मच्छर तो परहेज करना चाहिए वा, खास करके पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, इस तरह ही लोगों को जाके जागरूक करना चाहिए, लोगों घर घर जाके। देखो ये पिछे जागरूक ना करन दा एक कारण मैं भी समझदा कि ज़्यादातर प्राइवेट हॉस्पिटल जिहड़े ने उह सरकार दे नुमाइंदियां दे ने, जे उह लोकां नूं जागरूक करनगे, जे उह दवाई दा छिड़काव करनगे, जे उह जाके गोलियां पानी दे विच पाउणगे तां लोग बीमार नहीं होणगे। जे अज लोग बीमार हो रहे ने क्योंकि सरकारी जिहड़े हस्पताल ने उह ते इन्हां ने बिल्कुल नकारा कर दित्ते ने, उहनां दे विच डंगर है, उहनां दे विच कुत्ते ने, उहनां दे विच गंदगी है, और उन्होंने जे कोई सरकारी हॉस्पिटल चले जाता उन्होंने जगह ही नहीं मिलती, तो प्राइवेट हॉस्पिटल इन्हों दे ने। मैं इतने कह तो गुरेज नहीं करांगा कि ये लोग जिहड़ा आ व्यापारीकरण कर रहे हैं, लोगों की सेहत नाल खिलवाड़ कर रहे हैं, पंजाब सरकार वालों किसी भी तरह की जागरूकता नहीं फैलाई जा रही, जे पंजाब सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, जे पंजाब सरकार चाहे तो गलियां मोहल्लों वार्डों के कैंप ला के लोगों के मुफ्त जिहड़े आ उन्हां दे टेस्ट किए जा सकते हैं, मुफ्त दे विच उन्हां दा इलाज किया जा सकता है, पर ये जिहड़ी सरकार है इहदी नीत माड़ी है, ये जिहड़ी है सिर्फ जुमलियां दी सरकार है, झूठ दी सरकार है। किता दे दिओ सरकार तो कह रही है लोगों को तुसीं सरकारी हस्पताल जाओ तुहाडा इलाज फ्री किया जाऊगा, तुहानू दवाई दित्ती जाऊगी, अते लोग वध तों वध सहूलतां लैण, क्योंकि सरकारी हस्पताल च हर चीज़ का प्रबंध है, चाहे पीण वाला साफ पानी आ पक्खा वा हवा वा हर चीज़ का प्रबंध दित्ता जांदा सफाई नूं लै के, तुसीं किन्ना कु मानदे हो चीज़ नूं लै के। देखो जी ये गल है इतने तो मैं कहांगा कि एक मजाक लगती है गल, सरकारी हस्पतालों के सफाई मैं कहना जे कि उस जगह के उत्ते जाके देखो सरकारी हस्पतालों के इन्नी बदबू आती है, इन्नी गंदगी है कि नॉर्मल बंदा सेहतमंद बंदा भी सरकारी हस्पताल चले जाए तो मरीज बन के आता है,
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪੱਖੇ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਮਲੀ ਉੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਪੱਖੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਗਲੂਕੋਜ਼ਾਂ ਟੀਕਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਹੈੱਡ ਟੇਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਦੇ ਇਹ ਪੱਪੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਂਗੂ ਮਲੇਰੀਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤੱਲੇ ਨਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੋਤਾ ਸਾਹਿਬ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਜੀ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਭੰਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਭੰਡਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੰਡ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿੰਗਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਫਾਈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੇਂਗੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਬੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਵੇਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਲੜ ਜਾਂਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਰਘੂ ਰਾਜਾ ਨਾਨੂ, ਹਲਕਾ ਪੱਛਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਕੋਪ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਉਤਰਾ ਸਾਡੇ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ, ਹੁਣ ਸੁੱਤੇ ਕੋ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਦਾਈ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁਮਲਾਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਦਾਈ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਜੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ ਗਰੀਬਾਂ ਜੀ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਕਾਉਂਸਲਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਾ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਰੋਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖੋ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੁੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਡੰਗਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਮੈਕੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਸਮੈਕ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਬੁਰੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਵੇਖੋ ਆ ਕੇ, ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਵਾ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਛਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਲੋਤਣ ਵਾਸਤੇ, ਖਲੋਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ। ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਸੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਪੀੜਤ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ 4-5 ਦਿਨ ਬਿੱਲ ਬਣਾਇਆ ਵਾ,
तो ठीक है जी, मुड़ के उन्होंने कहें जी इनू लै जाओ इतों, ये ठीक नहीं होना साढ़े को, इनू अं रैफर कर दें। कल उन्होंने अं रैफर करवा के चंडीगढ़ एडमिट करवाया वा। मैं दसो उस बच्चे का जोड़ा प्यो आ वो एक प्राइवेट बस का कनैक्टर है, वो इस बच्चे का इलाज किस तरह से किमें कराऊगा हूँ दसो मैनू भी। हूँ चन्नी सरकार कितने सुती पई आ, हूँ उन्होंने गरीबों की सार कौन लै रहा वा? ये सिर्फ तो सिर्फ कहन गरीबों की सरकार आ, होर कुछ नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी आ। सरकार तो कह रही है भी असं उन्होंने वास्ते जो इलाज फ्री किए जा रहे, डेंगू लोगों के टेस्ट फ्री किए जा रहे हैं, सरकारी हस्पताल जान अपन सहूलत वह तो लैन। मैं कहा जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल 100% झूठ आ। एक इन्हों चाहिए वा, जे तुम इन्ने पुख्ता इंतजाम किए हैं लोगों के घर घर जाके गलियों के जाके महल्या वार्डा च कैंप लाओ, लोगों के टैसट लाओ। हूँ टैसट एक डेंगू का टैसट करा लगे 1000-1500 रुपया लग जाता वा, एक 200-300 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला बंदा वो दसो अपने परिवार के टैसट कितों करावे? ठीक है जी, किसी का कोई ध्यान नहीं है, झूठ है, इन्होंने झूठे वादे आ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तुम्हें देखिए भी नौजवान जोड़े ने पछमा अपना श्रोमणी अकाली दल के हलका पछमी तो जो नौजवान ने सुरिंदर सोता जी उन्होंने वालों जो प्रोटेस्ट किया गया, नौजवान इन्नी गर्मी में छियाडा बाजार भुंजे बह के जो प्रोटेस्ट कर रहे सरकार के खिलाफ, अ कह रहे हैं भी जिन्हें चर जी डेंगू के इलाज वास्ते या डेंगू की सहूलत वास्ते लोगों को फायदा नहीं दी जा जागरूक नहीं करती, उस उन्होंने तक जोड़े प्रोटेस्ट करते रहेंगे, खास करके वो सरकारी हस्पतालों में या SMO दफ्तर के बाहर भी जोड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। मैनू दे इजाजत, मैं हरजीत गरेवाल, पंजाबी लोक चैनल अमृतसर।